मारपीट मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। बीते दिनों दबंगों ने युवक से की थी मारपीट। थाना पिनाहट क्षेत्र के अर्जुनपुरा का ये मामला है, जहां पर मारपीट के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते दिनों दबंगों ने युवक से मारपीट की थी, जिसके चलते अब वांछित चल रहे आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, साथ ही 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता नीरज के साथ। जी नीरज, क्या जानकारी है, आखिर क्या मामला था, क्यों दबंगों ने युवक से मारपीट की थी? यदि देखा जाए, ये मामला थाना पिनाहट क्षेत्र के अर्जुनपुरा का था, जहां अर्जुनपुरा में बीते सप्ताह एक जो युवक था राजू नामक, जो अपने उधारी के रुपए मांगने गया था गांव के ही कुछ लोगों पर, जहां जो रामवीर जो पद था उसने अपने भाइयों के साथ युवक की मारपीट की थी और उसे तालाब किनारे फेंक कर चले गए थे, जहां परिजनों ने उसे इलाज के लिए भर्ती कराया था। तो उसकी 2 दिन पूर्व जो है इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और उसके बाद मुकदमा जो है हत्या का दर्ज जो है धारा बढ़ाई गई थी, उसमें दर्ज मुकदमे में जिसकी धारा हत्या की बढ़ा दी गई थी। उसके बाद परिजनों की मांग थी कि लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और उसके बाद जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी तो जिसमें से एक जो वांछित जो आरोपी को उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं ये पूरा मामला जो है अर्जुनपुरा जो गाँव है उसका बताया है, वहीं से पुलिस अन्य जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। जी नीरज, मेरा भी यही सवाल था, 4 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी एक को पकड़ा जा चुका है, क्या बता रही है पुलिस, कितना वक्त और लग सकता है? बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो जिस तरीके से परिजनों ने दबाव बनाया था, सर्वप्रथम इसमें मुकदमा जो था गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद जब इलाके के दौरान उसकी मौत हुई, उसके बाद परिजनों ने दबाव बनाया पुलिस और हंगामा किया था, उसके बाद अधिकारियों से बातचीत हुई, उसके बाद हत्या की धारा का जो उसमें बढ़ाई गई और उसके बाद पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई, जिसमें से सफलता मिली और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं मुख्य आरोपी है और उसके 2 भाई और हैं, वो अभी फरार चल रहे हैं, जिसके लिए पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर जो है दबिश दे रही है, जल्द ही गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। नीरज, बिल्कुल, पुलिस अपना काम कर रही है, दबिशें लगातार दी जा रही हैं, लेकिन अब क्योंकि एक को पकड़ लिया गया है, परिजनों की ओर से क्या कुछ कोई बात सामने आई है, क्या कुछ कह रहे हैं परिजन? बिल्कुल, अगर परिजनों की बात की जाए तो त्योहार पर यह घटना हुई और उसके बाद परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। उसके बाद जो परिजनों ने जब दबाव बनाया था, उनकी स्थिति की मांग थी कि उनको न्याय मिले और जो है आरोपियों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें जेल भेजा जाए, और उसके बाद जो है पुलिस ने उनकी बात मानी और लगातार पुलिस प्रयास यही कर रही है कि जल्द ही सभी की गिरफ्तारी हो और उसको जेल भेजा जाए और वहीं जो पीड़ित परिजन है उनको न्याय मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। आपको एक बार फिर बता दें, मारपीट मामले में वांछित आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बीते दिनों दबंगों ने युवक से मारपीट की थी। परिजनों की मांग पर बढ़ाई गई थी हत्या की धारा। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लगातार पुलिस दबिशें दे रही है। थाना पिनाहट क्षेत्र के अर्जुनपुरा का मामला।